हेलो, आज मेरे साथ मेरे एक परम मित्र आए हुए हैं, श्री अजय कुमार राणा। मेरे साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम 87 में क्वालिफाई करके और ये रेलवे में गए थे। साउथ ईस्टर्न रेलवे में हमारी ट्रेनिंग होती थी उस समय, तो मैंने समय से ज्वाइन कर लिया था। आपने एक्सटेंशन लिया था। एक्सटेंशन क्यों लिया? क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम लिख रहे थे। तब तक मुझे सिविल सर्विसेज का कोई आइडिया नहीं था कि उसका क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें लिए जाते हैं। अजय कुमार राणा मेरे संपर्क में आए और भी मैंने देखा कि कई अधिकारी वहाँ पहले से एग्ज़ाम लिख रहे थे और उनमें से कुछ जा चुके थे, लेकिन उनसे मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। हाँ, ये ज़रूर पता चला कि सिविल सर्विसेज भी कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज से भी महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद अजय कुमार राणा जी से बात हुई। इंसिडेंटली ये मेरे पड़ोस के ही रहने वाले निकले, दिल्ली के रहने वाले थे, पास में ही घर था, लेकिन मैं जानता नहीं था उससे पहले। कॉलेज भी पास में था, आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक पास आउट की हुए, और उसके बाद डीटीसी में सर्विस की और फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए थे। मैं इंडियन एयरलाइंस से आया था, तो वहाँ जब जानकारी मिली कि आप सिविल सर्विसेज लिख रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट जागा और इनसे मैंने दोस्ती बढ़ाई। उसके बाद मैंने पूछा सब्जेक्ट्स के बारे में। उसके बाद जो इन्होंने मुझे गाइडेंस दी, जिस तरह सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, तो मेरे सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका है उसकी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैंने मेंस में लिया था और प्रीलिम्स में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखा था। वो अजय ने मुझे ये सलाह दी और ये क्लिक किया। इसके साथ साथ एक कदम और आगे जाइए, मैंने देखा कि जो मटेरियल होता था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा मटेरियल पढ़ रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए। आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके थे, इन्होंने कहा यार मुझे तो अब देना नहीं है, ऐसा कीजिए मैं आपको मटेरियल दे दूंगा। इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। उसके बाद अजय ने मुझे बुक्स दे दी, स्टॉलर एंड स्टॉलर, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेड इजी, फिजिकल ज्योग्राफी मेड मेड सिंपल, इजी, मेड मेड सिंपल। सिंपल सीरीज की और किताबें थी इसके दोनों, बाद बहुत ही अच्छी किताबों में आती हैं मेड सिंपल सीरीज की बुक्स। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड दो ही किताबें उनकी हैं, एक तो इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। और वाकई ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और मैंने भी सीरीज के लिए पढ़ा पहली बार अच्छे से, अंडर 12 तो पढ़े लेकिन वो उस नज़रिए से नहीं पढ़े जैसे उस में पढ़े गए। और अभी भी मुझे ज्योग्राफी से बहुत लगाव है, मुझे कहीं किताब दिखाई देती है ज्योग्राफी की तो मैं अभी भी उसको खरीद करके पढ़ता हूँ। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल रहा मुझे सिविल सर्विसेज में आईपीएस दिलाने में, और उसमें सबसे बड़ा रोल रहा कि मैंने अजय से रिक्वेस्ट करके जो इनके हैंड रिटन नोट्स थे वो मैंने ले लिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वो दिए थे और उसकी फिर मैं राइटिंग प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन मटेरियल उसके अंदर इतना था कि इन्होंने बहुत अच्छी तैयार करके, जैसे मुझे आज भी याद है कि पहला ही क्वेश्चन आया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में, और उसमें मैंने सीधा जितना मुझे याद किया था बिल्कुल मैंने ऐसे ही जाकर उसमें लिखा। मैप के बारे में इन्होंने जानकारी दी, तो अब ये लगातार कॉन्स्टेंटली मुझे गाइड कर रहे थे। अब मुझे लगा कि शायद कोचिंग की ज़रूरत होगी, तो इन्होंने एक ऐसे टीचर से मेरा परिचय कराया जो अपना कोचिंग का कार्य बिल्कुल बंद कर चुके थे, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा कि वो डीसी में है, प्रोफेसर है, लेकिन एक बार बात करके देख लीजिए, जहाँ तक मुझे याद है कि वो अब कोचिंग नहीं देते। लेकिन इनके व्यक्तिगत संबंध उनसे इतने अच्छे थे, प्रोफेसर साहब से, तो वो बड़ी मिन्नत करने के बाद में वो तैयार हो गए। मैं और मेरा एक दोस्त जो रेलवे में ही मेरे साथ है, नरेश कुमार, वो भी मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, हमने साथ साथ तैयारी की। उसका बहुत बड़ा रोल रहा, वो मुझे लाना ले जाना और इंस्पायर करना। तब अजय ने ऐसे जब उस पर मुलाकात करा दी, अब उन्होंने बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर हमें कोचिंग देनी शुरू कर दी और हमारा जो ज्योग्राफी का सफ़र था वो बहुत ही आसान हो गया। और जब रिजल्ट आया, उसके बाद जब मैं सिलेक्शन हो गया मेरा, तो इन्होंने एक शर्त रखी थी मेरे साथ। सोचिए क्या शर्त रखी होगी। इन्होंने शर्त रखी थी कि मैं मटेरियल ज़रूर दे रहा हूँ आपको, बुक्स दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन जब एग्ज़ाम लिख लोगे उसके बाद मुझे वापस करनी होगी। अमूमन कई बार स्टूडेंट्स वापस नहीं करते बुक्स लेने के बाद, लेकिन मुझे ये याद था, इनकी बात हमेशा याद रहती थी। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने आगे कहीं पास ऑन नहीं की, मैंने वो आपने मुझे सारी वापस बुक्स करी। उसके बाद मैं साथ में गया। तो
तो ये एक सफर रहा, और ये हमेशा जब भी मिलते हैं। अब हमारा और भी बहुत सारे कोइंसिडेंस हुए। जब मैं रेलवे में जब तक काम कर रहा था, मैं AME था, नॉर्दर्न रेलवे में था, उस समय अलाहाबाद नाम से यहाँ पर जो डिवीजन था, वहाँ पहले DRM बैठते थे, पहले यहाँ पर NCR का हेडक्वार्टर नहीं था, तो नॉर्दर्न रेलवे तब हुआ करता था। नॉर्दर्न रेलवे हुआ करता था। और अलाहाबाद डिवीजन में मैं दिल्ली में था, TKD डीजल शेड में था, उसके बाद लुधियाना डीजल शेड में रहा, लेकिन अजय पहले से ही यहाँ पर AME के पद पर थे अलाहाबाद में। और इनके एक मित्र हुआ करते थे, तो GRP में SHO थे, यहाँ पर प्रभारी निरीक्षक थे, तो हमें पुलिस के बारे में अच्छी जानकारी उनसे मिलती थी। उन्होंने कई बार इंस्पायर किया कि पुलिस में आ जाइए। वो जो मेरे जो दोस्त हैं रवनीश कुमार शर्मा, उनके बड़े भाई वो यहाँ जीआरपी के हाँ थानेदार अच्छा, थे, मेरा ख्याल अश्वनी शर्मा। हाँ मैं उनसे जब आपने मिलवाया, तब हमें पहली बार यूपी पुलिस के बारे में थोड़ा पता चलना शुरू हुआ। मैं यहाँ पर प्रमोशन पर आया था, डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर आया था, और ये मेरी लास्ट पोस्टिंग थी वहाँ पर। इंटरव्यू तो देकर आज के आए थे आप? हाँ मैं इंटरव्यू देकर आया था, तो ये मुझसे बार बार पूछते थे कैसा होगा, तो मुझे मैंने बताता था कि इस बार हो जाएगा, और तो ये मुझे कहते थे कि यार IPS मिल जाए तुम्हें, इसीलिए इन्होंने GRP के इंस्पेक्टर से मिलवाया था। स्टेशन पे मुझे आज भी याद है, मैं वहाँ खुलदाबाद साइट में गया था, और वहीं GRP का जो ऑफिस है वहाँ मिला मैं इंस्पेक्टर से। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई, और उनको लग रहा था, इन्होंने इतने कॉन्फिडेंट थे, इन्होंने कहा कि इनको IPS मिलेगा और हो सकता है यूपी में ही यूपी आ का जाए, ड्राइव मिले। और इनकी ये प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। मैं हालांकि दिल्ली से हूँ, मैंने अपना एगवुड कार्डर के लिए दिया था फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन वो ना मिलकर मुझे आउटसाइडर्स में यूपी मिल गया। और आज बड़ी मुझे खुशी होती है कि आज हम आखिरी पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं अपनी, अब रिटायर होने जा रहा हूँ 31 दिसंबर को, तो यहाँ मेरी आखिरी पोस्टिंग भी यहीं पर हो रही है। रेलवे की भी आखिरी पोस्टिंग वहाँ थी, और अब पुलिस की भी आखिरी पोस्टिंग संभवतः यहीं रहेगी। और ये व्हाट ए तो मुझे कोइंसिडेंस। भी खुशी है कि मतलब हो सकता है शायद मेरी भी आखिरी पोस्टिंग हो यहाँ तो पर। अभी अजय भी यहीं पर आ और गए। दोबारा जो है मतलब हमें भगवान ने मिलवाया, ये इत्तफाक बहुत बड़ा इत्तफाक है। तो अब आप केवल अपने आपस में ही, केवल हमारी फ्रेंडशिप केवल आपस में ही सीमित नहीं है, परिवारों तक तो पहुंच गई है, और उसके बाद से जो जीवन का सफर रहा बड़ा आनंददायक रहा। तो मैं केवल ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप देखिए कि आपका करियर बनाने में दोस्तों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, दोस्त कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी लाइफ में। हमेशा जो आप अपना फ्रेंड सर्किल डेवलप कर रहे हैं, कृपया ऐसा बनाएं जो आपके वैल्यू एडिशन करें, आपको ऐसे मुकाम तक ले जाने की कोशिश करें जो आपने एम अपना निर्धारित किया है, आपका लक्ष्य निर्धारित करने में आपकी मदद करें। उसके बाद उसके लिए जो सपोर्ट है, खुले मन से वो आपको सपोर्ट करें। नहीं तो ये भी देखिएगा, आपको याद होगा कि 3 इडियट में एक डायलॉग होता है कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। तो ये ऐसे दोस्त होने चाहिए आपके कि जो आपसे ईर्ष्या ना करें, आपकी तरक्की में वो खुश हों, और यही मेरे साथ हुआ। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा रहा कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। रेलवे के जो ऑफिसर्स थे जो मेरे साथ रहे पूरा भ्रमण, मेरे साथ था राजीव महाजन, रवि गुप्ता जो पुलिस में अब वहाँ पर DG से मुझसे भी सीनियर है, मुझसे पहले पुलिस में चले गए थे, राजीव महाजन मानसा अभी भी कार्डर रेलवे में, में। मानसा कार्डर में, हाँ उसके एसी बाद कार्डर में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद मैंने देखा कि जितने भी दोस्त थे हम घूमने के लिए निकल जाते थे, कभी दार्जिलिंग जा रहे हैं, कभी साउथ में जा रहे हैं, मेड्रास जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं, पूरा इंडिया हमने घूम लिया। और जब ट्रेन में चलते थे तो हम वहाँ सब्जेक्ट डिस्कशन करते थे, कहीं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हुए जा रहे हैं, कहीं ज्योग्राफी पढ़ते हुए जा रहे हैं, कहीं सिविल सर्विसेज के, तो लोग बड़े हैरान रहते थे कि ये क्या, लेकिन सब समझ जाते थे कि सिविल सर्विसेज के लिए मग अप कर रहे हैं। और उसमें प्रीलिम्स के लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं थी, क्योंकि प्रीलिम्स में हमारे सभी, हम इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवे में गए थे, सभी अपने अपने क्षेत्र में टॉपर्स थे, और क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले हैं वो रेलवे को दिया करते थे, तो वहाँ सभी एक अच्छा इस तरह का लॉट था कि जो गाइड कर सकते थे। और उनमें से हमारा 28 का बैच था जो 87 का था, उसमें से 14 हमारे जो ऑफिसर्स थे वो चले गए सिविल सर्विसेज में, उसमें IAS में भी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में भी गए, और IPS में कई गए, IRS में भी गए, इससे बाकी अन्य सर्विसेज में कोई नहीं गया। तो ये एक ऐसा सफर था, मैंने सोचा, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ कि आपको किसने इंस्पायर किया,
कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था किस्सा था, और उसमें जो भी आज बने हैं इसमें अजय राणा की बहुत ही भूमिका है। और जब मैं इनको अपना जो बुक्स और बाकी मटेरियल वापस करने गया था, तब वास्तव में आपके जो माता पिता हैं हमारे अंकल और आंटी, वो बड़े भावुक हो गए थे। उनको लगा, तो मैंने अजय से पूछा था कि तुम्हें कैसा लगता है, ऐसा तो नहीं लगा कि तुम्हें कि मैंने इतनी मेहनत की थी और ये सब नहीं हो पाया? उसने कहा, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको अपने भाग्य के लिए छोड़ देनी होती हैं। मेहनत की थी, मैं जानता हूँ कि अजय राणा मुझसे बहुत कहीं होशियार है, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इनकी मेहनत का मैंने सदुपयोग कर लिया। हाँ, लेकिन कई बार जब मेरी सफलता में ये अपनी खुशी देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और इनका सपना था कि ये पुलिस में जाए, चाहे इनका रैंक कुछ भी आए लेकिन पुलिस अफसर बनना है। तो मुझे कई बार कष्ट होता था कि इतना ब्रिलियंट व्यक्ति एक पुलिस डिपार्टमेंट ने खो दिया, लेकिन रेलवे में जिस तरीके से इन्होंने अपना करियर चलाया है और टॉप लेवल पर पहुँचे हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद भी नहीं चाहूँगा। धन्यवाद। और मैं साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक जो आपके अंदर एक पैशन, इतने पैशनेट आप थे सिविल सर्विस को करने के लिए और इसको करने के लिए, वो किताबें तो बहुत लोगों के पास हैं, मेरे पास थी, तो मतलब उनके इससे अच्छा सदुपयोग कुछ हो नहीं सकता था कि जो आपने किया। और अगर वो, लेकिन आपके अंदर वो एक फ्लेम नहीं होती जो आपके अंदर उस वक्त थी, तो वो बात नहीं आती। तो जो भी मतलब आप हुए, अपनी मेहनत से हुए और अपने पैशन की वजह से हुए, और ऐसा ही पैशन जो है अगर कोई रखेगा किसी भी अपने सपने के बारे में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें किताबें और नोट्स ये तो मतलब बहुत जगह से मिल जाएंगी, बहुत लोग देने वाले मिल जाएंगे जो है। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई, जिन किताबों को आपने बहुत सहेजा हो, जिन जो नोट्स आपने बहुत जो है सोच के बनाए हो, और जब आपको लगे कि अब आपको इनका कोई आपके लिए उपयोग नहीं बचा है, तो उन्हें कोई मतलब अच्छे से इस तरह से उपयोग में ला सके जैसा कि आप लाए, तो बहुत मैं आपका मेहरबान रहा हमेशा, आगे भी रहूँगा कि मतलब आप मुझे मिले उस मकाम पर जब मेरे पास ये सब चीज़ें जो है उपलब्ध थी और मैं ढूंढ रहा था कि कोई मतलब इनको आगे इस्तेमाल करने के लिए जो है इसका कोई सही जो है मतलब मुझे इनका दावेदार मिले, तो आप बहुत अच्छे दावेदार मुझे मिले और ऐसे मिले कि मतलब उसके बाद मतलब वो कभी बिछड़ा ही नहीं, हम बिछड़े ही नहीं, हम बिल्कुल लगातार मिलते रहे, लगातार मिलते बस रहे। जब भी हम मिलते हैं वो मैं अजय राणा के बारे में सोचता हूँ तो एक गाना मुझे बार बार याद आता है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीर। थैंक यू। आप लोग इसी तरह के दोस्त बनाइए और सफलता को चूमिए, मेरी शुभकामनाएं आपको, माई बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट करियर। थैंक यू। जय हिंद।